कान मासूम डॉक्टर सुनीता, आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू चेहरे पर काले धब्बे क्यों हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी फीमेल्स या मेल्स भी जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा काले काले धब्बे मिलेंगे आपको, और ये जो धब्बे होते हैं इनके कारण क्या होते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है, हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट इज नॉट यूजिंग करेक्ट प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन जो है, आपको पता होगा तीन टाइप की होती है, ऑयली ऑयली कॉम्बिनेशन एंड ड्राई, ठीक है, उसमें भी टी जोन भी आती है, ठीक है। तो आप अपनी स्किन के हिसाब से अगर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्किन पे काले धब्बे आएंगे। सेकेंड, अनहाइजीनिक रूटीन, पिलो चेंज ना करना, सेम चादर पे बार बार सोना, मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करना बट मोबाइल की स्क्रीन को बार बार साफ़ ना करना, ठीक है, ये सब होता है अनहाइजीनिक रूटीन, और इनको फॉलो करने की वजह से भी काले धब्बे फेस पे होते हैं, ठीक है। फिर आता है टच योर एक्ने रिपीटेडली। अगर किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, आप उसको बार बार फोड़ते रहते हैं, पॉप आउट करते रहते हैं पस को, उससे भी काले धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। फिर होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ DIYs, ठीक है, जो DIYs होते हैं वो आप फेस पे करते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि वो सस्ते हैं, चीप हैं, उसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है अगर वो आपको सूट नहीं किए तो, और उसकी वजह से भी काले धब्बे होते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स लाइक दैट, ओके। फिफ्थ इज चेंज पिलो रेगुलरली। ऑब्वियसली आप अपने पिलोज को चेंज नहीं करते, आपका पिलो एक एक महीना दो दो महीना ही चलता रहता है, तो अपने पिलोज को हर हफ्ते चेंज कीजिए, ठीक है, ये भी एक कारण होता है फेस पे काले धब्बे होने का। सिक्स होता है नॉट यूज सनस्क्रीन। ओके, अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको स्किन का कैंसर भी हो सकता है, या फिर स्किन के ऊपर ब्लैमिशेज, या फिर स्किन के ऊपर डार्कनेस डिस्कलरेशन आ सकती है। तो यूज़ सनस्क्रीन। अगर मुझसे कोई पूछे कि एक चीज़ जो एक इंसान को बिल्कुल अपने मेकअप किट में होनी चाहिए, दैट इज़ सनस्क्रीन, ठीक है। फिर होता है आप अपने फेस को रात को नहीं धोते हैं, आप बस ऐसे ही आते हैं, थकते हैं और सो जाते हैं। अगर आप फेस को रात को नहीं धोएंगे तो स्किन रिजुविनेट नहीं होती है और ब्लैकनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर आता है ड्रिंक अल्कोहल और तंबाकू और च्युइंग अननेसेसरी नार्कोटिक्स, ठीक है, अगर आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हो तो भी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन आती है, स्किन अच्छी नहीं होती और बिल्कुल फिल्दी और गंदी लगती है स्किन, जिसके डार्क डार्क बड़े बड़े पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। रॉन्ग यूज़ ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली चीप प्रोडक्ट यूज़ करना फेस के ऊपर या फिर गलत प्रोडक्ट यूज़ करने की वजह से भी काले धब्बे आ जाते हैं फेस के ऊपर, ठीक है। फिर होता है एक्सेसिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। अगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है या वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको ब्लैक डिस्कलरेशन होने के चांसेस हैं अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा जहाँ भी आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट में हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर हो, जिससे कि आपकी स्किन को बाहर से एक्सटर्नल मॉइस्चर मिले और स्किन बेटर रहे, और आपकी स्किन जो है बाहर से भी मॉइस्चराइज रहे, और ऊपर से आपको मॉइस्चराइजर भी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो कि हाइड्रेटेड वन हो, ठीक है, जिसमें हाइड्रेशन पावर हो, ठीक है, और तो आपकी स्किन जो है ऐसी चीज़ों से बची रहेगी। अगर आप एक मेडिकल टिप चाहते हैं तो ये, हमेशा ही करेक्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए अपने फेस के लिए। सेकंड थिंग, अपनी स्किन को हमेशा चेकआउट करा के ही प्रोडक्ट्स लें। थर्ड चीज़, अगर किसी तरीके के मेडिकल कंडीशन है तो ऑब्वियसली डॉक्टर को फॉलो करें, ना कि DIYs या फिर किसी तरीके की ऐसी चीज़ जिसको आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है, या और दूसरे की रिकमेंडेशन पे जिसको बिल्कुल मेडिकल का नॉलेज नहीं, अगर आप उसकी रिकमेंडेशन पे चीज़ें खरीदते हैं और लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके बैड रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू गुड वन, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने फेस को सुंदर बनाइए, बेहतर बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बाय, टेक केयर।